नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने सुबह ही कहा था कि आज का यह कार्यक्रम बहुत अद्भुत होने वाला है। हम बहुत समय से वेबिनार्स की श्रृंखला चला रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, आप सभी का बहुत प्यार बहुत स्नेह मिल रहा है और उससे हमें बहुत बल मिल रहा है। इससे हम हर बार एक नई चीज, एक नए व्यक्ति को आपके सामने लाते हैं और इस तरह से लाने का प्रयास करते हैं कि आप सभी के ज्ञान का भी वर्धन हो और आपके सभी का उत्साह, प्रेम और विश्वास आयुर्वेद और रस शास्त्र पर बढ़े। ऐसा ही एक आज कार्यक्रम लाए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही नया और बहुत अद्भुत, और मुझे लगता है ये वेबिनार के अलावा किसी और तरीके से संभव ही नहीं था। हम रसशाला लाइव लाने वाले हैं और एक ऐसी रसशाला जो अपने आप में आदर्श रसशाला है, क्योंकि उसका संचालन देश का आदर्श रस वैद्य कर रहा है, वैद्य बालेंदु प्रकाश, मेरे गुरु समान, मेरे पिता समान, और एक ऐसे वैद्य जो 25 वर्ष के युवा से भी ज्यादा ऊर्जा रखते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई, लेकिन आपकी ऊर्जा 25 वर्ष के युवा से भी ज्यादा है। और उन्हीं का उत्साह था, उन्हीं का आइडिया था कि हम दो तीन कैमरों से एक साथ आपको रसशाला दिखाएंगे। मैं अपने गुरु वैद्य बालेंदु प्रकाश जी से आपको मुखातिब करता हूँ। अब वैद्य जी आगे की बागडोर संभालेंगे और पूरा आनंद आने वाला है आपको। वैद्य जी आप अनम्यूट कर लें। धन्यवाद सुमित जी। मैं आपका, आपके सहयोगियों का, आपके संगठन के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं शशि चंद्रशाला की इस वेब मीट में। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये एक सड़क है, मेरे दाएं हाथ में अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड जा रही है सड़क, और इधर बाईं तरफ ये उत्तर प्रदेश है। तो मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा में के द्वार पर, जहाँ से उत्तराखंड की सीमा कुल 7 किलोमीटर दूर है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी खेत हैं और मेरे दाईं तरफ भी खेत हैं, और ये रसशाला का प्रांगण है जिसमें हम घुसेंगे, और इधर आप देखेंगे इधर भी खेत है, खेत हैं। तो चारों तरफ का एक व्यू आपको दिखाते हैं हम घूमते हुए। ये बिल्कुल देहात क्षेत्र में एक रसशाला है, और ये रसशाला इस देहात क्षेत्र में क्यों है मैं बताना चाहता हूँ। देखिए आपके सामने, मैं अब धीरे धीरे बताता रहूंगा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी दूर पर। ये भांग लगी हुई है, ये भांग है और ये इलाके की नैसर्गिक बूटी है, इसको लगाया नहीं गया है। तो जो रसशाला होती है इसमें कुछ जड़ी बूटियां निर्वाप द्रव्य के तौर पर, भावना द्रव्य के तौर पर लगातार इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर जो किसान है ये अपने खेत में से जाड़े में पित्त पापड़ा फेंकते हैं, वो मेरे लिए औषधि है। ये भांगरा फेंकते हैं, वो मेरे लिए औषधि है। ये कुकरौंदा फेंकते हैं, ये मेरे लिए औषधि है। तो ऐसी बहुत सारी वीड यहाँ पर कुदरती होती है जो कि शहरी माहौल में देहरादून में मेरे को नहीं मिल पाती थी, मैं मूलतः मेरठ का हूँ, वहां भी नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ पर आपको देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं, ये अर्जुन के पेड़ हैं, इधर शीशम का पेड़ है, इधर कीकर का पेड़ है और इधर ढाक का पेड़ है। ये चारों तरफ ये नैसर्गिक है, और एक वैद्य को जिस तरह अच्छी जड़ी बूटी नहीं होंगी, अच्छी जड़ी बूटी नहीं होंगी अच्छी दवा नहीं बनेगी। तो रसशाला बनाने के लिए अगर आपको कोई जगह चाहिए तो आज की तारीख में वो देहाती माहौल में हो सकती है। इसीलिए हम 7 साल पहले यहाँ पर आए, और आने के बाद हमने यहाँ पर धीरे 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 रसशाला की स्थापना की। अब मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ अंदर की तरफ। ये हमारा गेट है शशि चंद्र रसशाला का, यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है। लोग आते हैं ढूंढते हुए कि वैद्य जी की रसशाला, वैद्य जी की गौशाला, जिसको आना होता आ ही जाता है। किसी भी प्रचार से दूर हम इस जंगल में रहते हैं, और इस जगह के हम रहने वाले नहीं है। हमारा नेटिव प्लेस है मेरठ, जो यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर है, और जो दूसरा हमारा कर्म क्षेत्र था देहरादून, वो 300 किलोमीटर दूर है। और जब मैं आप चल रहा हूँ आगे की तरफ तो आप देखिए दूर तक आपको ये विहंगम दृश्य है रसशाला का। सामने भट्टी का आपको धुआं दिख रहा है, जहां पर देवेंदु प्रकाश बहुत जल्दी आपसे मुखातिब होंगे। और इधर मेरे राइट साइड में ये आपको फेंसिंग दिख रही है। अभी यहाँ पर अपराजिता लगी हुई है, अपराजिता हमारे यहाँ बहुत काम में आती है, परंतु बाजार में किसी भी कीमत पर अच्छी अपराजिता नहीं मिलती थी। तो करीब 900 फीट की बाउंड्री पर करीब 28 कुंटल अपराजिता हम पैदा करते हैं। आप लोगों ने मेरा नाम सुना होगा पेनक्रेटाइटिस की दवा के लिए, तो दवा तो बनती है, पर कैसे बनती है वो भी मैं आज आप सबको बताऊंगा। उसके लिए जो द्रव्य है उनकी स्थापना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इधर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये चित्रक लगी हुई है, ये सफेद चित्रक है जो कि बाजार से गायब हो चुकी है। आज आप जब चित्रक लेने जाते हैं तो बाजार में नीले फूल की चित्रक दिखाई देती है, और ये चित्रक हिमालय के तलहटी इस इलाके में जो तराई एरिया है
यहाँ पर कुदरती होती थी, परंतु धीरे धीरे खत्म हो गई। इसकी खासियत यह है कि इसकी जड़ की छाल का क्वाथ जब बनाया जाता है तो जैसा शास्त्रों में लिखा है कि चित्रक अग्नि है, वाकई में अग्नि है। इसकी छाल का काढ़ा जब बनाते थे मेरे पिताजी के काल में तो हाथ में छाले पड़ जाते थे, परंतु आज जो नीली चित्रक आपको बाजार में मिलती है आप खा जाएंगे, आपको मुंह में भी छाला नहीं पड़ेगा, इससे हाथ में छाले पड़ते थे। तो हमने यहाँ पर आने के बाद आज आपको ज्वाइन करूंगा यहाँ से वहां तक चलने में, और वो आपको दिखाएंगे कैसे हम एक शोधन संस्कार कर रहे हैं। नमस्कार, यहाँ पे इस वक्त शोधन चल रहा है, आप देखेंगे इसमें इसको सात बार गौमूत्र में तपाने के बाद साफ किया है तरीके से। करीबन इसमें 2100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। देवेंदु सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, देवेंदु हाँ जी देवेंदु, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज बहुत कम आ रही। यहाँ पे मंडूर की शुद्धि चल रही है, इसको सात बार हम इसको तपाएंगे और गोमूत्र में बुझाएंगे। मंडूर भस्म का उपयोग हम पुनवा मंडूर में करते हैं। इसे गोमूत्र में डाला है अभी, अभी ये दूसरी बार गोमूत्र में बुझाया जा रहा है। अब जो ये गौमूत्र में एक बार बुझा दिया गया है उसको दोबारा फर्नेस के अंदर डाला जाएगा। इस प्रोसीजर को 7 टाइम्स किया जाएगा। अब इसको मंडूर को जो एक बार हम बुझा चुके हैं इसको दोबारा फर्नेस में डाला जा रहा है। इसको तब तक तपाया जाएगा जब तक ये लाल सुर्ख ना हो जाए। लगभग इस प्रोसीजर में इसको 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा बिल्कुल ब्रेड होने में। अंदर इसमें 2100 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग का तापमान है। इसका नाम है सर्व अर्थ करी भट्टी। यहाँ पर शास्त्रों में इसका वर्णन है और बहुत ही अलंकारिक भाषा में इसको बनाया गया है। एक हाथ चौड़ी एक भट्टी बनाई जाए और उसके बाद उसमें अलग अलग मिट्टी
घोड़े की लीद मिट्टी इस नदी को लेके इसकी दीवार बनाई जाएगी और फिर दीवार को करीब 2 हाथ चौड़ा बनाया जाएगा जिसमें बालू भरा जाएगा और बालू भरने के बाद फिर दीवार बनाई जाएगी। और इसका फिर विधान था कि मोटे मोटे बांस की 2 नलिकाएं हों करीब 4 हाथ लंबी और 2 महिलाएं 2 युवती जिनकी आंखें उनका वर्णन शास्त्रों में लिखा है और वो इसकी धोखनी करेंगी। परंतु जब हम आयुर्वेद के लोग पढ़ने आते हैं तब ऐसी अलंकारिक भाषा को पढ़कर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने भी इसको पढ़ा और वो जो उपाय उसमें बताए हैं महिलाओं से लेके बांस की नाली तक और मिट्टी तक वो आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने उस महिला शक्ति को हॉर्स पावर से जोड़ा और इस भट्टी में यहाँ पर तो 5 हॉर्स पावर का यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है। ये 5 हॉर्स पावर का मोटर है जिससे कि हवा फेंकी जाती है और ऊपर आप देखिए वहां पर एक टंकी है, ये पानी की टंकी नहीं है, यह है लाइट डीजल ऑयल। तो इस भट्टी को हमने LDO फर्नेस बनाया जो सरवार सारी भट्टी थी और इसकी जो ईंटे हैं वो फायर ब्रिक है। आज का युग तकनीक का युग है तो हमने इसमें ये जो ईंटे आपको दिखी ये कोई उस शास्त्रीय मिट्टी तो नहीं है परंतु शास्त्र का प्रतिष्ठान रूप ये फायर ब्रिक की मिट्टी है। और ये देखिए इधर इसका कंट्रोल है, एक तरफ से ये लीवर लगे हुए हैं, एक तरफ से तेल आता है, एक तरफ से हवा आती है, इसके द्वारा हम इसको काबू में रखते हैं। इसको करने से एक रूपता है कि आज के युग में लकड़ी का कोयला ये सब चीजें नहीं मिलती हैं तो इस भट्टी पर हमारी जितनी भी धातुएं तेलम तकरे गवामूत्र आमल के चकुलत्थ के उनके सिद्धांत को पालन करते हुए 7-7 बार इनकी शुद्धि होती है। आज आपके सामने अभी देवेंदु ने आपको मंडूर भस्म की दिखाई तो शास्त्रों में मंडूर भस्म के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। कोई कहता है 35 फुट लगाओ, कोई कहता है 7 फुट लगाओ, कोई कहता है त्रिफले में शुद्धि करो, कोई कहता है सामान्य शोधन करो। हम लोगों ने शास्त्र के ज्ञान को देखते हुए उसकी थोड़ी विवेचना की कि ऐसा क्यों है और करते करते हमको पता चला कि दस्तरंगणीकार ने लिखा है कि गोमूत्र में शुद्ध किया हुआ मंडूर सर्वश्रेष्ठ होता है। वाकई में हमारे रसाचार्यों ने गजब का काम किया। मैंने भी अपने अनुभव में पाया कि जब किसी मंडूर की 21 बार तपा तपा के हर बार नए गोमूत्र में शुद्धि होती है तो उसके अंदर रहने वाला सिलिका गायब हो जाता है, अदरवाइज किसी भी तौर से शुद्ध करने से सिलिका गायब नहीं होता। तो इस रसशाला में बनी हुई जो मंडूर भस्म है उसमें सिलिका की परसेंटेज 0 हो जाती है जो कि 21 बार तपा तपा के गोमूत्र में डालने से होती है। अब गोमूत्र कौन सा, गोमूत्र के लिए गाय का मूत्र इस्तेमाल होता है परंतु ये गाय देसी और विदेशी में स्पष्ट में नहीं पढ़ूंगा, गाय को खुराक क्या दी गई है। एक हिंदुस्तानी अगर विदेशी खाना खाता है तो वो हिंदुस्तानी नहीं होता। तो यहाँ पर जो गाय है, यहाँ पर करीब 90 गाय हमने पाली हुई है। हम दूध बेचने वाले नहीं है पर दूध हमारा बाई प्रोडक्ट है क्योंकि हमको गोमूत्र चाहिए। और गोमूत्र कौन सा, यहाँ पर कुछ बच्चियां हैं 25-30 जो अभी गाभिन नहीं हुई है, उन बच्चियों का गोमूत्र ही गोमूत्र है क्योंकि उसमें जब मंडूर शुद्ध होता है तो सिलिका गायब होता है, बड़ी गायों के गोमूत्र में सिलिका गायब नहीं होता है। दूसरी बात, कितनी देर का गोमूत्र, तो यहाँ पर जो गोमूत्र होता है चमचमाती हुई स्टील की बाल्टी में, जैसी बाल्टी में दूध निकलता है उसी में इकट्ठा होता है और 3 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल होता है क्योंकि उसके बाद उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, पीएच हो जाती है, तब भी सिलिका खत्म नहीं होता। तो हमने एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम मंडूर भस्म के स्टैंडर्डाइजेशन का चलाया जिसमें तरह तरह संशोधन किए गए और वो प्रोग्राम हमने चलाया बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। उसमें जरूर हमारा पैसा लगा 64 लाख रुपया परंतु जो ज्ञान हमको विरासत में मिला है अगर हम आज की तारीख में उसको समझेंगे नहीं, रिवैलिडेट नहीं करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे तो काम होता रहेगा। तो ये जो मंडूर भस्म है ये हमारी बेस है। सबसे पहले यहाँ पर 21 बार शोधन होता है इसका, हर बार नया गोमूत्र डलता है, गोमूत्र भी बच्चियों का है और वो भी 3 घंटे के अंदर है। तो इस
सर्वार्थ करी भट्टी में, जो कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, तकनीकी का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर एलडीओ फर्नेस है, एलडीओ है, मोटर है, और इसको बाकायदा आप देखेंगे कितनी सफाई के साथ गोबर की लिपाई की गई है। गोबर की लिपाई इसलिए की गई है कि ये हमारा लोकल सैनिटाइजेशन है, दूसरा इंसुलेशन है, ये गर्म नहीं होता है, अगर कोई भी फर्श रखते हैं, और इसकी लगातार गोबर की लिपाई होती रहती है। तो आप देखेंगे ये कि बिल्कुल लोहे के बर्तन है, साफ सुथरी चीजें हैं, और दूर आपको पीछे खड़ी हुई गाय दिखाई दे रही है, ये गौशाला है यहाँ पर, और गौशाला और रसशाला का समवाय संबंध है, क्योंकि जिस रसशाला में ताजा गौमूत्र नहीं है वो कोई औषधि बना ही नहीं पाएगा। गौमूत्र हमारे लिए शुद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक गण है। अब मैं देवेंदु प्रकाश जी को हवाले करता हूँ, जो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो दूसरा है, ये तो धातु की शुद्धि हो गई, परंतु रस शास्त्र है, रस रस माने पारा। पारे को हम कैसे तैयार करते हैं? हम कोई अष्ट संस्कार नहीं करते हैं, हम कोई 16 संस्कार नहीं करते हैं, परंतु हमने एक SOP डेवलप की है कि कैसे पारे को निकाला जाए और पारे को तैयार करके दवा में कैसे बनाया जाए। तो देवेंदु प्रकाश जी, आप जरा इन्हें बताइए कैसे हम उर्दू बात करें। ये आपके सामने इस वक्त पारा है, जो कि हिंगुल से प्राप्त किया गया है, और ताम्रोत पारा का एक ये फेस है। इसको, इस नाक को कल फर्नेस पे चढ़ाया गया था, मैं भी वो आपको दिखाऊंगा। और इस तरीके से हम मरकरी को पारे को होते हैं, ये आप देखें, भट्टी पे चलाने से पहले इसका मर्दन किया जाता है हिंगुल पारे का, तांबे के साथ नींबू सुरस में। और ये वो भट्टी है, पारा अपने आप में कोई कार्य नहीं करता, जैसे एक बंद कर लो, पारा अपने आप में एक रूप में है, और जैसे हम एक रॉ पर्सन होते हैं, ज्यादातर हम आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स हैं, आयुर्वेद के ग्रेजुएट पढ़ने से पहले हम साइंस के विद्यार्थी होते हैं, फिर कॉलेज में जाके हमारा शिक्षा संस्कार होता है, और फिर संस्कार इनाम गुणांतरा धर्म, हमारी दो आंख, दो कान, नाक, हाथ वैसे ही रहते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन, WBC वगैरह भी वैसे ही रहते हैं, कोई चीज में फर्क नहीं आता है, परंतु संस्कार है नाम गुणांतर धारण। तो इस पारे को, जो कि हिंगुल से निकाला गया है, आप ये देख सकते हैं खरल है, और इस खरल में एक भाग पारा और चौथाई भाग तांबा लिया जाता है, और तांबे को लेके इसमें नींबू के रस में, ये नींबू का रस है, छोटे नींबू का रस, इस नींबू के रस में इसका दृढ़ता से मर्दन करके पिष्टी बनाई जाती है, और जब ये पिष्टी बन जाती तब इस पिष्टी को बना के ये आपके सामने एक ऊर्ध्वपातन यंत्र है। आपने शास्त्रों में पारा का ऊर्ध्वपातन यंत्र पढ़ा होगा, इसका नाम है दली का जामुन यंत्र, और जामुन डालो शास्त्रों में जामुन यंत्र का वर्णन है। डमरू माने हंडिया के ऊपर, हंडिया ये हंडिया यहाँ पर हंडिया के ऊपर ऐसे डमरू बनाना है, डमरू यंत्र का वर्णन है। और उस डमरू यंत्र में आ गया है, ये देखिए, ये पारे और तांबे का अमलगमेशन हो चुका है, 7 दिन तक हम लगातार काम करते हैं, अमलगमेशन हो चुका है, अब इसको उत्थापन करना है। तो शास्त्रों में, बस लगा दो बेटा, शास्त्रों में जो वर्णन है वो डमरू यंत्र का है, एक हंडिया के ऊपर दूसरी हंडिया, परंतु जब इसका कितना भी संधि कर ले, इसको अग्नि लगाते हैं और ऊपर ठंडा करते हैं, तो एक, अगर आप 1 किलो पारा लेके चलेंगे तो पहले ही संस्कार में 80% से ज्यादा पारा उड़ जाएगा, अदृश्य गति, रुकता ही नहीं। इसका प्रयोग मैंने BHU में भी करके दिखाया था, तो ऊर्ध्वपातन यंत्र से पारे का ऊर्ध्वपातन नहीं होता, परंतु शास्त्रों में लिखा है कि पारे को हिंगुल से निकालें, 7 बार तांबे के साथ स्थापित करें, फिर 7 बार विषो के साथ स्थापित करें, और बाद में वीर बहुटी और सेना नमक के साथ, तो ये पारा भी मुमुक्षित पारे के समान होता है।
तो इसे करने के लिए एक इनोवेशन मेरे द्वारा 1987 में की गई, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या था कि आपके सामने इस समय 3-4 चूल्हे जल रहे हैं, ये शशि सतत धधकती है ज्वाला, वो है शशि चंद्र रसशाला, ये मेरा एक तकिया कलाम है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जगह ऊपर से पानी डल रहा है, और पानी में हम क्या करेंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक शिवलिंग है और इसके ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये शिवलिंग है। इसके नीचे आपको दूसरी पत्ती दिखा रहा हूँ मैं, आइए, ये चूल्हा है, इसके अंदर एक घड़िया जल रही है, और ये डबल वाल दस्ते की एक शिव लहरी है, ये हंडिया को इसमें दबा दिया गया, टेंदा नमक और राज से सील कर दिया गया है। अब इसमें नीचे पारे और तांबे का अमलगम डाला गया, उसके ऊपर जो मिट्टी की नांद आपको दिखाई दी रखी गई, इसमें आप देख सकते पारा है, और जब नीचे आग लगाई और ऊपर से ठंडा हो रहा है तो पारे की बात ऊपर डाली गई, और लगातार इस पर गिरता हुआ पानी, ये जो गिरता हुआ पानी है ये इसको ठंडा रख रहा है, और ये जो ठंडा रख रहा है 6 घंटे की आग के बाद इसको हम ठंडा होने देते हैं और फिर इस नांद को निकाल के काम कर लेते हैं। तो इस पारे को हिंगुल से निकालने के बाद 7 बार तांबे के साथ स्थापना करना, 7 बार विषों के साथ स्थापना करना, इसमें कुल 9 महीने लगते हैं, और इस समय में ये पारा क्रियावान हो जाता है। जैसे आप BMS की डिग्री 5.5 साल में लेते हैं तो आपका फिजिकल फॉर्म तो वही रहता है परंतु क्रियात्मक रूप बदल जाता है। तो ये पारा अब तैयार है काम करने के लिए, दूसरी धातुओं से मिलने के लिए, गंधक के साथ जाना के लिए, तो ये यहाँ का पहला होता है। अभी हम इसके तीसरे फेज की तरफ जाएंगे जहाँ पर मर्दन होता है, क्योंकि ये हमारा शोधन संस्थान है जहाँ पर शोधन हो रहा है, और यहाँ से करीब 300 मीटर दूर ये कैंपस एक ही है, ये करीब 9 एकड़ का कैंपस है जहाँ पर हम लोग दिन रात काम करते हैं, क्योंकि ये रसशाला 365 दिन 24 घंटे काम करती है, ये कभी नहीं सोती, चाहे संडे होता है, चाहे मंडे होता है, चाहे 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त, यहाँ पर भट्टी कभी भी बंद नहीं होती है। तो मैं फिर देवेंदु प्रकाश के हवाले करता हूँ और फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, तब तक वो आपको दिखाएंगे कुछ योग जो यहाँ पर बने हैं। तो वो देवेंदु प्रकाश वस्तुतः एक मछली छेड़ना शुरू ही आता है, उन्होंने बचपन से 5 साल जो मट्टी कपर मट्टी वगैरह करना सीखा है, और आज BCOM की बेसिक डिग्री करने के बाद जिसे हिसाब किताब उन्हें करना बहुत अच्छा आता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन करना आता है, तो पिछले 7 साल से इस बेहड़ जंगल में वो गौशाला, रसशाला और अपनी कृषि संबंधी कार्य के साथ जो पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसका डे टू मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो तब तक रहिए उनके साथ, मैं आपको फिर ज्वाइन करता हूँ थोड़े समय के साथ। यहाँ पे आप इस वक्त देखेंगे मर्दन चल रहा है, इस समय जो आपके स्क्रीन पर है ये है अमर, ये पारा गंधक और कॉपर का कॉम्बिनेशन है। शास्त्रों में ये लिखा गया है, कोई सी वस्तु का SOP है कि आप मेटल को लेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, शुद्धि करेंगे, उसके बाद उसका मर्दन होगा अपने द्रव्य में। इस समय इसका जो मर्दन हो रहा है निव्यू स्वरस जो कि देवदाली और देवेंदु, आवाज आवाज थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। ओके, इस समय जो इसका मर्दन हो रहा है ये निव्यू स्वरस देवदाली और अपराजिता के अर्क में हो रहा है। इसमें गंधक, पारा और कॉपर का मिश्रण है। इस दवा को हम अमर कहते हैं जो हम पैनकेटाइटिस में इस्तेमाल किया करते हैं। इसका मर्दन शास्त्रों में के हिसाब से होना चाहिए, और हम इसका मर्दन जो करते हैं जब तक इसका पार्टिकल साइज 4 Dalton साइज से 2 माइक्रोन से नीचे ना जाए तब तक हम मर्दन करते रहते हैं। इसी तरीके से ये मंडूर का मर्दन चल रहा है, अभी आपने वहां देखा था मंडूर का शुद्धि हो रही थी। शोधन के बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है मर्दन की, मर्दन के बाद जब ये अपने पार्टिकल साइज में पहुंच जाता है इसकी चक्रिका बनेगी और फिर ये गजपुट के लिए, वरापुट के लिए, अपने स्वाभाविक पुट के लिए आगे जाएगा। ये है लौह वसंत।
गौ भस्म का जो द्रव्य है वो है घृत कुमारी, मंडूक का द्रव्य है गौमूत्र। ये मर्दन अभी ताम्र भस्म का हो रहा है जो कि चांगेरी के अर्थ में हो रहा है। ये एक अलग किस्म का गौ भस्म है, ये भी आपको वैजी आगे डिस्प्ले में दिखाएंगे कि गौ भस्म के बाद एक वीर बहुटी के साथ एक दवा बनती है जिसको नवयोग ना बोला जाता है, एक अनुभूत है, इसका मर्दन चल रहा है। ये मर्दन तब तक होता रहेगा, तकरीबन हमने ये देखा कि अपनी प्रैक्टिस में कि 7 से 8 घंटे में जो हमको डिजायर्ड माइक्रोन लेवल है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। सभी धातुओं का जब तक मर्दन होगा जब तक ये चीज 4 माइक्रोन साइज तक ना पहुंच जाए, यही हमारी औषधि की एक क्वालिटी एश्योरेंस है, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। देवेंदु आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। देवेंदु? हाँ जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अगर आपके पास हेडफोन हो आसपास तो वो लगा के बोलें क्या, तो अच्छे से आएगी आवाज। हेडफोन कनेक्ट करता हूँ। क्योंकि आप जो बता रहे हैं अगर वो लोगों ने सुना नहीं तो उतना मजा नहीं आएगा देख के, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि किस तरह रस औषधियों को खाने योग्य बनाया जाता है और जिस तरह कहा जाता है हैवी मेटल नुकसान करती है, तो किस तरह आप उसका पार्टिकल साइज 4 माइक्रोन तक हर रस औषधि का लाते हैं, ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये भी आप बाहर फर्नेस में फेज 1 में मंडू की शुद्धि देख रहे थे, ये अशुद्ध मंडू आपके सामने है। शुद्धि के बाद ये कुछ इस तरीके से मिलता है और इसकी शुद्धि गौमूत्र में की जाती है और हम इसको 14 फुट देते हैं और काफी इसके बाद ये कुछ इस प्रकार से हमें मिलती है। ये चक्रिका का साइज है, हर धातु का एक डिजायर्ड फुट है और गजफुट के जिस धातु को हम जिस फुट में देंगे गजफुट का चक्रिका का साइज अलग होगा, वरा फुट के चक्रिका का साइज अलग होगा। किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? वैद्य जी बोल रहे हैं क्या? वैद्य जी आ गए हैं वापस। जी वैद्य जी, हाँ। तो रसशाला 9 एकड़ में फैली हुई है, वो शोधन का स्थान था जहाँ पर धातु का शोधन हुआ, फिर पारद का शोधन हुआ, अब यहाँ पर इस कक्ष में है ये मर्दन संस्कार है। तो हमने अभी सत्या देखी थी, ये फैब्रिकेटेड वेट ग्राइंडर है, इसके अंदर जो लोहा बेस है वो SS-304 का है जो GMP कंप्लायंस है। इसी तरह इसकी जो मूसली है ये करीब 28 किलो की मूसली है, इसको भी बनाया गया है और ये 1 हॉर्स पावर मोटर से बनती है। अब मर्दनम गुड़बर्दनम, अभी मैं एग्जांपल दूंगा मंडूर की, कि मंडूर को मान लीजिए 5 किलो मंडूर इसमें आता है तो हम 3 किलो एलोवेरा जूस इसमें डालते हैं और 3 किलो एलोवेरा जूस डाल के इसकी कुटाई होती है। तो 6 घंटे की घुटाई में हमने एक पार्टिकल साइज यहाँ पे लगाया हुआ, पार्टिकल साइज एनालाइजर। वो पार्टिकल साइज एनालाइजर इसलिए नहीं कि पार्टिकल कितने पड़े हुए, वो इसलिए है कि हमारी ऑप्टिमम और
ये माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर एक स्लाइड लगा दी जाती है और स्लाइड के साथ इसको कैप्चर किया जाता है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर कैप्चर करके इससे हमें पता चलता है कि हमारी ऊंचाई जितनी मर्दन की ऑप्टिमम होनी चाहिए थी वो हुई कि नहीं। तो मैंने देखा था कि जो दवाइयां मेरे पिताजी बनाते थे अपने हाथों से, मैं बनाता था वो तो काम करती थी, परंतु जो दवाइयां हमारे कर्मचारी गण बनाते थे वो काम नहीं करती थी। तब मैंने देखा लफड़ा क्या है और लफड़े में पता चला कि उनकी ऊंचाई में मेरी ऊंचाई में फर्क था। तो उसके लिए 1991 में हमने इस इक्विपमेंट को लंदन से मंगाया कैब्रिज से, और ये है पार्टिकल साइज एनालाइजर। इसलिए हम ये नहीं देखते कि पार्टिकल कितने छोटे हो रहे हैं बदल के बाद, हम देख रहे हैं कि हमारी जो कुटाई हुई है वो क्या एक रूपता हो गई है। आज हमको पता चला है कि जो भी हमारी कुटाई होती है उसके लिए एक हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वो 2 माइक्रोन से और 5 माइक्रोन के बीच में जब कोई भी मंडूर की वजन घुट जाती है तब उसकी चक्रिका बनती है। तो चक्रिका बनने के लिए ये जरूरी है कि उसका मर्दन पीछे हुआ है। एक छोटा सा पेच और कि मान लीजिए हमने 5 किलो मंडूर लिया और 3 किलो घी कुंवर लिया, गर्मी बहुत है जैसे आजकल है तो रस जल्दी सूख जाएगा और अभी आपका अपेक्षित पार्टिकल साइज आया नहीं, तब हम घी कुंवर का रस और डालें और जब तक हमें अपेक्षित नहीं मिल जाएगा तब तक हम काम करते रहे। बरसात में 3 लीटर की जगह वो डालेंगे तो 3 लीटर ही पर पार्टिकल साइज पहले आ जाएगा। हम ठीक वायर का रस कम नहीं करेंगे, हम मशीन की टाइम बढ़ा देंगे और घुटते घुटते सूख जाएगी। तो इसमें एक रूपता है आपका रॉ मटेरियल, आपका शोधन, उसके बाद मर्दन और मर्दन के बाद जो निर्वाह द्रव्य है उसको है। तो आप ये देखिए मेरे साथ जो खड़े हैं किशोर जी हैं, ये MSc कॉटनी है और यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस है, यहाँ पर एक स्लाइड लगा दी गई है और स्लाइड लगाने के बाद ये कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं इसमें और पूरा कैप्चर करने के बाद यहाँ पर चलता है। चक्री का बनने से पहले इसका काम ऐसा होता है। ये क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पर दर्शाला में जितनी भी भस्में बनती हैं वो मर्दन होने के बाद चक्रिका बनने से पहले या पृथ्वी पर जाने से पहले उन सबका यहाँ पर एक क्वालिटी पैरामीटर है। तो मर्दन संस्कार का स्टैंडर्डाइजेशन SOP करने के लिए इस इक्विपमेंट का उपयोग दर्शाला में किया जाता है जो देश में कहीं भी नहीं किया जाता। इसीलिए एक कारण है कि यहाँ पर जो बनती है वो XRD पर उन पर बार बार उनका एक रूप सही आती है। और जब ये इसकी आपकी पूरी की पूरी बर्तन हो गया है तब इसके बाद और ये चक्रिका है आप देखेंगे 10 से 12 ग्राम की चक्रिका है क्योंकि जो भी भस्म बनाई जाती है उसकी चक्रिका बनाए पर एक अजीब सा हमारे देश में वातावरण हो गया है कि बड़ी से बड़ी फार्मेसी में भी चक्रिका गोला बना के कोई बर्फी की तरह काटता है और कोई तो काटता ही नहीं है। बड़ी बड़ी फार्मेसियां मैंने विजिट की है वो सीधे उसका चुराई लगा देती है। ठीक है थोड़ा महंगा पड़ता है परंतु हमारे शास्त्रों में अगर उनको गोल रूप में चक्रिका बनाने का विधान है तो हमारे रसाचार्यों ने जरूर इसके पीछे में मतलब सोचा होगा। तो कई सारे लोग शास्त्रों की दुहाई देते हैं पर जब काम करने की बात आती है तब शास्त्र दूर भाग जाते हैं। तो ठीक है मैं चिकित्सा करने में शास्त्र से थोड़ा विमुख हूँ और जीवन बनाने में भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, परंतु जो उसके बेसिक कंसेप्ट है जैसा कि सुमित जी ने शुरू में बताया इस दशाला में पारंपरिक जो सिद्धांत है ये जो देह है ये भी SS 304 है, ये टिक्की बनेगी और ये बराबर में आपके कासीज भस्म बन रही। कासीज भस्म भी अपने आप में चीज है, हमने 10 किलो लेकर चली थी, अभी ये 5 दिन के बाद 2.5 किलो रह गई है
शास्त्रों में जैसे इसका वर्णन है ऐसा है, ये पहली बार बन रही है। तो अभी सुमित जी मेरे पास है, हमने पहली बार यहाँ पर रसशाला के प्रांगण में उगे हुए एलोवेरा से एलुआ बनाया है और बड़ी अच्छी हींग हम लेके आए हैं, कासीस भतम तैयार है और चौकिया सुहागा उसको लेके यहाँ पर रस, वो जो रजय प्रवर्तनी वटी का निर्माण हम यहाँ करने वाले हैं, क्योंकि बाजार की रजय प्रवर्तनी से किसी किसी को उपकारी होती है और मैंने पाया कि उसमें जो कासीस भतम है वो ठीक से नहीं होती है। इधर आप देखेंगे कि लाइन में यहाँ पर खरल लगे हुए जो कुछ पत्थर के खरल है, ये पत्थर का खरल है, ये पत्थर का खरल है, इसमें सोना चांदी शुरू में जो होते हैं उसमें होता है और ये लोहे का खरल है, इसी का ये चाहिए और ये जी आवाज थोड़ी कम आ रही है, चांदी की आवाज कुछ कम आ रही है, चांदी की भस्म है, ये चांदी की भस्म है, इसका मर्दन हो रहा है और ये लगातार खरल चल रहे हैं। वैद्य जी आप म्यूट हो गए हैं, वैद्य जी अनम्यूट कीजिए, वैद्य जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट आपका हाँ बोलिए, हाँ अनम्यूट हो, म्यूट हो गया था आपका, म्यूट हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये आप पूछ रहे हैं ये सब यहाँ पर ये मंडूर भसम है, इसकी तकलीका बन गई है और ये सब आपके एसएस के कंटेनर है जिसमें रॉ मेटेरियल रखा हुआ है, ये सब एसएस के है और ये लगातार ये अबरक भसम है, ये अबरक भसम है जो अभी फूके निकली है, अभी आवाज थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और ये क्या है, ये धतूरे के बीज हैं, बाजार से जो धतूरे के बीज मिलते हैं और अगर इनको देखा जाए तो इसमें बाजार में जो सॉल्युबिलिटी है वो कुल 10% है और इसमें 80% सॉल्युबिलिटी आती है, तो हर चीज की यहाँ पर गुणवत्ता की जांच की जाती है। ये सब दवाइयां हैं जो फुक्के निकली हैं, इनको अब निर्वाप द्रव्य में डाल के इनको मर्दन किया जाएगा और आगे किया जाएगा। ये वो दवा है, चांदी की भस्म तैयार हो रही है जिससे अगर अच्छी बनी हुई चांदी की भस्म हो तो इसमें जवार मोरा और जदवार मिला के नवजीवन बनती है, जिसके द्वारा मैंने एपीएमएल के मरीजों को ठीक किया था। अभी कुछ दिन पहले जो आपने कैंसर पर मेरा उद्बोधन सुना था उस दवा के पीछे ये चांदी की भस्म ही है। तो चांदी की भस्म बनाने वाले बहुत लोग हैं, परंतु चांदी की भस्म बनाने के लिए पहले पारा तैयार करना, फिर शोधन करना, हर स्टेप पर उसका क्वालिटी एश्योरेंस करना, तो ये 2 साल 7 महीने में चांदी की भस्म जो तैयार होती है वो ब्लड कैंसर को ऐसे ही दूर करती है जैसे शास्त्रों में लिखा है, जैसे सिंह की गर्जना से जंगल चुप हो जाता है, जैसे सूरज के आने से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह चांदी की इस भस्म से बनी हुई नवजीवन वटी ये ब्लड कैंसर को ठीक करती है, जिसको मैं प्रमाणों के साथ सिद्ध कर चुका हूं। तो ये एक छोटा सा प्रयास है रसशाला में, जहां पर काम लगातार होता है, काम बड़ा उबाऊ भी है क्योंकि बार बार एक ही काम को करना है, घुटाई करनी है, फुकाई करनी है, घुटाई करनी है, फुकाई करनी है, तो जितनी हम इसमें पुट लगाते जाएंगे, जैसे आपका ज्ञान है, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने डॉक्टरेट किया, तो डिग्रियों का अंबार लग गया, पता नहीं ज्ञान का अंबार हुआ नहीं हुआ,
परंतु शास्त्रों में जो ये दवा बनाई गई उनका हुआ। तो ये एक आज मैं बात करूंगा, एक दवा है स्नीज क्योर, और ये स्नीज क्योर जो है आज झंडू की है। बहुत सारे जो बीएमएस हैं, हम सभी लोग जब काम करते हैं हमारी इच्छा होती है कि हमें धन मिले और यश मिले। तो ये आप जो घटक देख रहे हैं इसके 18 औषधीय घटक है। अगर बारीकी से देखेंगे तो ये पुनर्नवा मंडूर का ही एक प्रतिसंस्कारित रूप है। इसमें पहले जड़ी बूटियां हैं और बाद में मंडूर भस्म है। अब आप कहेंगे वैद्य जी आप अपने नुस्खों को इतनी आसानी से बदा क्यों देते हैं, रस शास्त्र लुप्त गुप्त था और इस गुप्त में हो गया लुप्त। तो मैंने कहा नहीं, इसको गुप्त नहीं रखेंगे तो लुप्त नहीं होगा, परंतु रस शास्त्र में ये मैटर नहीं करता कि क्या आपने डाला। रस शास्त्र में ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने आयुर्वेदिक फार्माकोपिया का फॉलो किया कि नहीं किया, आपने काम कैसे किया। जैसे मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि गेहूं वही है, चक्की वही है, आटा वही, परात वही, चकला बेलन वही, चूल्हा और तवा भी वही, पर बनाने वाली बदल गई और रोटी जल गई। रस शास्त्र भी कुछ इसी तरह है कि आपके पास सब कुछ है परंतु यदि आपने इसकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं की थी। तो ये दवा है 18 जड़ी बूटियां हैं और ये हमारा मंडूर है, ये अशुद्ध मंडूर है, ये शुद्ध मंडूर है और ये भस्म किया हुआ मंडूर है। इसके बाद इसको गौमूत्र में भावना दी गई है। तो गौमूत्र में भावना कैसे दी है, वही जब मंडूर भस्म तैयार हो गई तो 6 महीने से छोटी बचिया, 3 घंटे के अंदर का गौमूत्र, चौगने गौमूत्र में इसकी भावना देके, जब इसको उबाला गया चौगने में, जब गाढ़ा हो गया तब इन जड़ी बूटियों का चूर्ण उसमें मिला के जब ये दवा बनी स्नीज क्योर। तो मैं अभी अगले शनिवार को सुबह 11 बजे एक परिचर्चा करूंगा स्नीज क्योर के डेवलपर एंड यूजर्स फीडबैक, और आप उसमें देखेंगे कि कैसे देश के साइंटिस्ट टॉप डॉक्टर्स उसमें बात करेंगे कि ये जो दवा बनी है जो कि पुनर्नवा मंडूर का है, पुनर्नवा मंडूर एक यकृत रोग की बीमारी है, परंतु हमने अपने चिकित्सा अनुभव में पाया ये एलर्जिक राइनाइटिस की वंडरफुल मेडिसिन है। स्टडीज और होती गई, ये परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस को भी ठीक करती है और साथ में इसके अंदर इन विट्रो स्टडीज में एंटी हिस्टामिनिक एंड नेचुरल किलर सेल मतलब इम्यूनोमॉड्यूलेशन और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज है। आज कोरोना के इस काल में हमारे यहाँ कोई मास्क नहीं पहनता, हम जब बाहर जाते हैं तो सरकार के कानून का पालन करते हैं, हम सब एक 3 पुड़िया स्नीज क्योर की रोज खा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक रहती है। इसको खाने में ना काढ़ा है, अप टू 300 टाइम्स इट इज गुड। तो ये हमारी रसाला का ये है, इसमें झंडू का कवर जरूर है पर ये पूरी की पूरी दवा अंदर इसी रसाला में बनती है, क्योंकि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आज हमारे पास है, बहुत छोटे से हम परंतु बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के पास रस शास्त्र बनाने के लिए ये उपाय नहीं है। वो देते तो हैं पर दवा फायदा करती है नहीं करती है, पर जो भी झंडू स्नीज क्योर को सेटअप प्रोटोकॉल में डालेगा अपने मुंह में उसको 2 मिनट के अंदर फायदा जरूर होगा, ऐसा हम देखते आए हैं और लोग भी बता रहे हैं। एक दूसरी दवा है, इसका नाम क्या है, और ये है बड़ी बहुचर्चित आरोग्यवर्धनी। आरोग्यवर्धनी है और इस आरोग्यवर्धनी में ये कजली है, कजली है, ये 64 पुटी लौ भस्म है, 100 पुटी अभ्रक भस्म है और 100 गुनी गंधक जारी ताम्र भस्म है, ये शुद्ध गुगलू है और ये आपका शिलाजीत का है। इसमें ये शिलाजीत है, शिलाजीत हम प्रेम आश्रम हरिद्वार से लेते हैं, वो बड़ी उत्तम क्वालिटी की शिलाजीत बनाते हैं और बाद में इससे हरड़ बहना आंवला चित्रकूल छाल और कुटकी, ये कुटकी भी हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में 7,500 फीट पर होती है और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया के हिसाब से खरी उतरती है। तो इसके बाद जो नीम के पेड़ यहाँ पर होता है से होते हैं उनके ताजे पत्तों के काढ़े में इसका मर्दन करके आरोग्यवर्धनी बनती है, पर ये आरोग्यवर्धनी वाकई में आरोग्य को बढ़ाने वाली है। और कुछ फार्मेसियों की आरोग्यवर्धनी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि उनके मालिकों को पता ही नहीं है कि भस्म कहाँ से आ रही है। तो इसकी जो भस्म निर्माण प्रक्रिया है वो हमारी खासियत है और उसके साथ आरोग्यवर्धनी बनती है, नहीं तो आ रोग वर्धनी भी बनती है कि आओ मेरे रोगों को बढ़ाओ, ऐसी बनती है। ये तीसरी है, ये इधर ये हिंगुल से पारा निकालने का एक प्रोसेस है। ये हिंगुल से पारा निकला, ये अशुद्ध हिंगुल है, ये शुद्ध हिंगुल है, इससे पारा निकला है। ये वो दवा है
जिससे आज मैं दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा हूँ, पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस में आज हम करीब 1000 मरीजों की चिकित्सा के करीब पहुंच रहे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हम 1100 के करीब होते, पर फिर भी हमारे अस्पताल में लगातार मरीजों का आना जाना देश के कोने कोने से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, पंजाब से आना जरूरी है। कैसे वो पहुंचते हैं, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस अपने आप में एक बीमारी है। अभी हाल ही में रसास की प्रोफेसर थी हरिद्वार की, उनको मंडे को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ और हम संप्राप्ति में लगे रह गए और शनिवार होते होते उनका देहांत हो गया। बड़ा अफसोस की बात है कि आयुर्वेद के रस शास्त्र से पहली डोज से फायदा होने वाली ये दवा कैसे बनती है मैं दिखाऊंगा। तो पहले हिंगुल से पारा निकला, ये पारा तैयार हुआ और पारा तैयार होने के बाद जब हमारा 9 महीने इन्हें विषों में घोट घोट के हर तरीके से इसको हमने कर लिया है। ये तांबा है, इसको शुद्धि की गई है तेलम तकरे गवा मूत्रे अमल के चकुलत के, ये शुद्ध तांबा है। शुद्ध तांबा, शुद्ध पारा और अशुद्ध गंधक से शुद्ध गंधक, इसकी बन गई खजली। इस खजली को फिर अपराजिता और देवदाली इन दोनों को नींबू के रस में भिगो के फिर इसमें मर्दन किया गया। मर्दन करने के बाद गंधक धारणा की गई जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और आखिर में जो अमर बनती है ये वो मंडल मेडिसिन है जो कि तांबा पारा गंधक के योग से है। और इसकी स्टडी जब हमने IIC बेंगलोर में कराई तब पता चला कि ना इसमें तांबा है, ना पारा है, ना गंधक है, बशर्ते ये एक मिनरल कॉम्प्लेक्स बन गया, इसमें कोई भी फ्री मेटल नहीं है। तो आयुर्वेद का रसशास्त्र जो धातुओं को खनिजों में बदल दे और खनिज बॉडी में जाके बीमारी को ठीक करे, ये सब है। और ये देखिए, ये हमारे हैं कुछ उपकरण, मिट्टी के बर्तन, इसके ऊपर खड़िया मिट्टी और कुठाली के साथ हमने किया कपर मिट्टी। ये कुठाली की मिट्टी है, ये चौक मिट्टी है, ये चूना और गुड़ है, गुड़ चूने का मिश्रण है, और इनको मिला के कपड़े में इसकी कपर मिट्टी होती है। तो पूरी तरह एक विशुद्ध ग्राम उद्योग है जहां पर लगभग 3 साल के अंतराल में, और इधर देखिए जो जो चक्री का बनी है मंडूर भसम की और इसकी, इनके द्वारा हम लगातार, ये एक ग्राम उद्योग है। इसके साथ हम देते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार, और ये है भट्टी एरिया जहां पर दवाइयां बनती हैं लगातार। इधर गंधक का शोधन हो रहा है, अभी आपने इसका पिक्चर देखा था, गंधक में थोड़ा घी डाल के, और इसके लिए अग्नि भी जो है वो गोबर गैस की है। इस प्रांगण में 10 किलोवाट गोबर जी, आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। मित्रों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि यह रसशाला एक ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थित है, जैसा कि आप जानते हैं स्थित है, इसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, शायद इसके कारण वीडियो रुक गया है। आप हमारे साथ बने, हमारे बीच उपस्थित होंगे। मित्रों माफी चाहेंगे, किसी कारणवश उनसे कनेक्शन टूट गया है अभी तकनीकी कारणों की वजह से, और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार उन्हें जोड़ने की। आप साथ रहिए, मुझे पूरा यकीन है कि आज आपको एक बहुत ही विशेष अनुभव हो रहा होगा। और जैसा कि आपने देखा, मैंने कहा था शुरू में कि यह एक आदर्श रसशाला है, और किस तरह से वैद्य जी पूरी तरीके से औषधियों को रसशास्त्रीय शास्त्रों के हिसाब से बनाते हैं और उसे आधुनिक पैरामीटर्स पर, जैसा आपने देखा पार्टिकल साइज एनालाइजर है, वैद्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी हमारे साथ जुड़ जी। हेलो जी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ जी। वैद्य जी आ जाइए जी। वैद्य जी, तो हम गंधक शुद्धि की बात कर रहे थे कि यहाँ पर गंधक शुद्धि के लिए
जिस अग्नि का प्रयोग हुआ है ये भी गोबर गैस से निकली हुई आग है, और इसको गंधक को थोड़े से घी में पिघला के सिपला में बुझाया जा रहा है। तो ये एक प्रयोग यहाँ पर चल रहा है। और आइए अपने आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर छोटी छोटी फूटे ये है लघुपुट, एक हाथ चौड़ी एक हाथ गहरी, इसको कपोतपुट बोला है। और इसके बाद ये है बरापुट, ये एक रस्सी चौड़ी है एक रस्सी गहरी है, ये बरापुट है, 16 फुट है। इसके बाद बरापुट है, 10 फुट है, और इसमें अग्नि प्रमाण के साथ अलग अलग भस्मों का काम किया जाता है। इसमें जो उपले लगते हैं, उपले भी रसशाला में वन गोबर के सिद्धांत के हिसाब से जो गाय है उनके वजन के हिसाब से देखा जाता है। हमने देखा कि जो उपले बाजार से ले जाते हैं उसमें अग्नि 8 घंटे रुकती है, और जो रसशाला में बनते हैं उपले वो 14 घंटे अग्नि रुकती है। इसका बारह का वजन भी ज्यादा होता है, तो उपले जैसी चीज अगर आप गिनती से लेते हो तो वो पतले बनते हैं, और वजन से लेते हो तो उसमें मिट्टी होती है। तो इस देश में मानकीकरण, हमें अगर रसशाला बनानी है तो जो आशीष पाल जी रसशाला देख रहे हैं, रसशाला में केवल यही नहीं कि आपने सामान क्या खरीदा, आपको उपले से लेके मिट्टी के बर्तन तक, मिट्टी के बर्तन के साथ कार्य करने वाले कर्मचारी तक, अगर देवेंदु यहाँ पर 24 घंटे नहीं रहे तो यहाँ पर कोई भी दवा नहीं बनेगी, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पर्सनल सुपरविजन बहुत जरूरी है। अब आप देखिए मेरे बाईं तरफ ये नलिका डमरू यंत्र में गंधक जारणा हो रही है। तो पारा अगर रस तरंगणीकार कह रहा है कि पारा चाहे हिंगुल से निकाला गया है, चाहे अष्ट संस्कारित किया गया है, परंतु यदि उसमें गंधक जारण नहीं किया गया है तो उसमें औषधि गुण नहीं आएंगे किसी भी तौर पे। तो यहाँ पर पहले तांबे को शुद्ध किया गया, पारे को संस्कारित किया गया, गंधक किया गया, इन सबको अमलगमेशम बना के फिर हमने क्या किया कि अब इसमें नलिका डबरू यंत्र में गंधक जारण किया। और ये जो गंधक जारण है, गंधक जारण करने के लिए ये जो सतत प्रक्रिया है, तो ये जब गंधक जारण हो जाती है तब इसमें पारे में अग्नि दी जाती है। ये पारे पे अग्नि पे पारा और गंधक दोनों उड़ने वाली चीजें, तो शुरू में अग्नि को बहुत धीमे दिया जाता है। और इसमें एक संधि बंधन है जो कि हमें किताबों में आसानी से नहीं पढ़ाया जाता। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि संधि बंधन हम कैसे करते हैं गुड़ चुने से। और इधर देखिए बाई तरफ शाम का समय है, एक लाइन से दूर तक जो हमारी गऊ है, जो हमारी रसशाला की आधार है, वो यहाँ पर बैठ के काम कर रही है। तो मैं अब आपको संधि बंधन दिखाता हूँ। ये अमर का निर्माण है, ये नलिका डमरू यंत्र है। इसको नलिका डमरू यंत्र क्यों बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक नलिका लगी हुई है, और इसके अंदर ये तांबा पारा गंधक का मिश्रण है। अंदर दिखाई नहीं देगा, रोशनी करूंगी, टॉर्च चला दूंगी, दिखिए दिखा दूंगा, टॉर्च चला देता हूँ। ये तांबा पारा गंधक पीला क्या है, तांबा पारा गंधक इसमें मिला हुआ है। अब इसके देखिए दोनों मुंह घिसे हुए हैं बिल्कुल, अब तक इसके मुंह बिल्कुल घिसे हुए हैं चिकने, नीचे वाली के भी, जिससे कि इसमें नहीं रहे। और इसके बाद इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। तो इसको सील करने से पहले ही इनके जोड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि हंडिया कुम्हार बनाता है, कोई छोटी कोई बड़ी, तो ये इंश्योर किया जाता है कि इसमें दोनों को मिले हुए हैं। और ये देखिए दोनों महिलाएं गुड़ चूने से, ये सूती कपड़ा है जिससे इसकी कबर मट्टी करी है। गुड़ चूना जो है, जैसे जैसे अग्नि लगती है ये पत्थर की तरह होता जाता है, तो ये इसकी सील बंद हो जाएगी। एक बार सूखने के बाद इसकी दोबारा, फिर दोबारा, सबसे आखिरी में कुथाली की और घड़िया मिट्टी की शुद्धि होती है। तो यहाँ पर करीब जिसमें किसी में अग्नि जलती है, किसी की अग्नि बुझती है, कोई ठंडी होती है, कोई चढ़ने के लिए तैयार है,
और शुरू में 12 घंटे, फिर 24 घंटे, फिर 36 घंटे, 48 घंटे, होते होते 120 घंटे लगातार आग जलती है। तो इस प्रोसेस को करने में पारा बनने के बाद पूरे 2 साल तब लगते हैं जब हम इसमें कोई भी काम रोकते नहीं हैं। तो ये एक छोटा सा 10 साल का टूर था जहाँ पर हम लगातार दवाइयाँ बनाते हैं इलाज करने के लिए। हमारी 10 साल का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि यहाँ पर जो भी चिकित्सक आए वो कोई हादसा ना हो तो सभी लोग बचे। ये रसशाला जीवनदायिनी रसशाला है। आयुर्वेद का जो रसशाला है वो कंफर्ट जोन के लिए नहीं है, वेलनेस के लिए नहीं है। ये मृत्यु पर्यंत लोगों को, असाध्य रोगों को जान देता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, ये रसशाला जो है इसका मेरे पिताजी स्वर्गीय वैश्व प्रकाश जी, उनके साथ उनकी पत्नी मेरी माता जी स्वर्गीय शशिमुखी जी, ये लोग कंधे से कंधा बढ़ा के दवा बनाते थे। और अब मैं बैठ रहा हूँ इस तखत पर। ये 1952 का मेरे पिताजी का तखत, उनके पास एक तखत था, दो पत्थर के खरल थे, दो हाथ थे, और यही मुझे विरासत में मिले थे। और इन्हीं खरल पर बैठ कर इन्हीं औषधियों को बनाकर आज 300 बार से ज्यादा विदेश यात्राएं, सबसे कम उम्र का पद्मश्री, उन सब के पीछे मैं भाग्य को नहीं मानता हूं, पर मैं मानता हूं कि कर्म अगर करोगे और सतत अभ्यास करोगे तो 12 साल में जैसे घूरे के दिन फिरते हैं उसी तरह सुजाता को भी आपका भाग्य लिखना पड़ेगा। मैं यकीन करता हूं कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी वजह क्या है। आज सुमित जी ने बोला कि वैद्य की उम्र 60+ है, बहुत सारी बीमारियां हैं परंतु जोश है, परंतु ये जोश नहीं है, ये जनून है। और जनून क्या है कि हमारे पास जो ये विद्या है, रस की विद्या है, ताम्र की विद्या है, और जब हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं तो क्यों ना उसे हम विज्ञान के साथ परिभाषित करके इस भारतवर्ष को जो प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ताम्र को औषधि प्रयोग में जानलेवा बीमारियों में ठीक करने के बाद एक नोबेल प्राइज लाने की बात करें। उसी जनून के साथ मैं जीता हूं और आखिरी सांस तक जीता रहूंगा। और अब रसशाला की, जैसे मैंने बताया था, ये रसशाला कभी सोती नहीं है। अब शाम के 5 बजने वाले हैं। अब अगला काम क्या हो रहा है कि आप मेरे पीछे जाइए, वहां पर भूख लगने की तैयारी हो रही है। तो एक दवा घुट रही है, एक दवा सूख रही है, एक दवा सब्जी हो रही है, और यहाँ पर पुट लगा दी गई है। किस चीज की पुट लगी है? ये मंदूर भसम है, ये छावले लगा दिए गए हैं। और इसमें अब उपले एक बार में एक के 4 टुकड़े होके इसकी होगी। और 20 मिनट के बाद ये जो धुआं निकल रहा है, 20 मिनट के बाद जो धुआं निकल रहा है, इसमें से आग की लपट निकलने लगेगी और सुबह तक ये शांत हो जाएगी। तो आज का यहाँ का काम खत्म होगा, परंतु आपके दाईं तरफ ये जो भट्टी जल रही है पूरी रात जलेगी, पूरा दिन जलेगी, कल भी जलेगी, परसों भी जलेगी, ये सुबह ठंडा होकर निकलेगी। और यही हमारी इस रसशाला की एक कार्यविधि है कि एक ठंडी होती है, एक फूकती है, जैसे प्रकृति का चक्र चलता रहता है, आपकी नर्मदा बहती रहती है, इधर गंगा बहती रहती है, पृथ्वी का चक्र चलता रहता है, इसी तरह रसशाला का चक्र चलता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का, आमंत्रित सदस्यों का जिन्होंने इस फेसबुक पेज लाइव को शो में भाग लिया, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। सुमित श्रीवास्तव जी और उनके सभी सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करने का। और इस रसशाला के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। आपको यदि कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और कभी भी इस रसशाला को विजिट कर सकते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय आयुर्वेदा, जय रसशास्त्र। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद वैद्य जी। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि कैसा रहा कार्यक्रम, कैसा। खैर, आपका परसोना, आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही इतनी प्रभावी है कि उसके सामने आते साथ बाकी सारी चीजें धूमिल हो जाती हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने आज वादा किया था लोगों से कि ये जो एक वेबिनार अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी वेबिनार्स तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन रसशाला लाइव इतने सारे लोगों को हम उनके घर पर बिठा के दिखा पाए, ये सिर्फ इसी तकनीक के माध्यम से ही संभव था।
तो जिसको जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर बना लिया हमने, तो निश्चित रूप से आपदा को हमने अवसर बनाया और आपका बहुत हृदय से आभार। मैं आशीष जी आज आपका आभार प्रदर्शन करना चाह रहे थे, आशीष जी की बड़ी इच्छा थी क्योंकि वह भी एक रसशाला चलाते हैं, लेकिन चूंकि शायद वो ड्राइव कर रहे हैं या कोई परेशानी है, इस वजह से मैं आया हूँ आपका आभार प्रदर्शन करने के लिए। पूरी एक ऐप की टीम की तरफ से सारे जितने भी हमारे देखने वाले हैं एक ऐप को पसंद कर रहे हैं और एक ऐप का सहयोग कर रहे हैं। एक ऐप का उद्देश्य है आयुर्वेद के निजी चिकित्सकों के हितों के लिए काम करना और उनको बढ़ावा देना और उनमें आत्मविश्वास भरना, और आप हमारे आइडियल है। आपको सामने देखकर ही हमें ऊर्जा मिलती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप में 25 वर्ष के युवा से भी ज्यादा ऊर्जा है, तो आप हमारे ऊर्जा स्रोत हैं, तो आपसे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जितने लोगों ने एक ऐप के इस लाइव शो को देखा होगा सभी को बड़ा आनंद आया होगा। मैं सभी की तरफ से आपका हृदय से आभार एक बार फिर व्यक्त करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद वैद्य जी। नमस्कार।